तो फिलहाल हम गल करेंगे हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस से बर्खास्त डीएसपी बलविंदर सिंह सेखो ते उन्होंने साथी प्रवीण शर्मा 6 महीने की सजा मुकरर की थी। इस वेले की बड़ी खबर आ रही है, एक बार फिर तो दस दिए हाईकोर्ट ने सजा मुकरर की है पंजाब पुलिस से बर्खास्त डीएसपी बलविंदर सिंह सेखो ते उन्होंने साथी प्रवीण शर्मा लेके 6 महीने की सजा मुकरर की है। 2000 रुपये का जुर्माना तय किया भी दस दिए कि हाईकोर्ट के उन्होंने जजा के खिलाफ वरती अपनी गलत शब्दावली दे माफी मंगने तो इनकार कर दिया, जिसके चलद अदालत ने सजा से जुर्माना मुकरर किया। यह भी दस दिए कि पंजाब के हरियाणा हाईकोर्ट के खिलाफ जो टिप्पणियां की गई, जो गलत शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, इन इल्जाम के तहत बर्खास्त डीएसपी बलविंदर सिंह सेखो ने लुधियाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिक्र खास है भी कि इस पहला दिनकर गुप्ता के डीजीपी कार्यकाल के वेले भी सेखो ने नौकरियों बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त की जो हुई सी वह अनुशासित फोर्स का मैंबर होंदिया सोशल मीडिया के राही सरकार के खिलाफ टिप्पणी करने के आधार से की गई सी। अनमोल साढ़े सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनमोल की जानकारी है, 6 महीने की सजा, 2000 रुपए जुर्माना। जी बिल्कुल, देखो जेकर गल की जाए तो जिस तरीके डीएसपी बलविंदर सेखों के नाल उन्होंने साथी की गल की जाए तो इन्होंने उपर कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट के जेडे के इल्जाम लाए गए थे। हुण हाईकोर्ट के जेडी के सुनवाई चल रही थी तो हाईकोर्ट वालों मानदेव अदालत वालों जेडे के 6 महीने की सजा से 2000 रुपए का जुर्माना जेड़ा कि लाया गया। कितना कितने कहा जा सकता है कि कंटेंप्ट करके ही जेड़ा की है, जे जिस तरीके के बयान सामने आए थे तो कंटेंप्ट करार करके जरा कि कोर्ट वालों सजा जी की है वो सुनाई गई जी। ते अदालती कार्रवाई किस तरह की रही थी? बलविंदर सिंह सेखो ते प्रदीप शर्मा नु अपने वालों वरते गए गलत शब्दों के लिए माफी मंगने के लिए कहा गया सी, लेकिन इन्होंने नहीं मंगी। तकबा पे तो दस दिए कि अदालत ने दोनों नु 2000 रुपए का जुर्माना भी तय किया है। साबका डीएसपी यानी कि बर्खास्त डीएसपी बलविंदर सिंह सेखो ते उन्होंने साथी प्रदीप शर्मा 6 महीने की सजा मुकरर की गई है। 2000 रुपए का जुर्माना तय किया गया है। हाई कोर्ट ने जजा के खिलाफ आपत्तिजनक जो गलत शब्दावली का इस्तेमाल किया गया सी दोहां नू माफी मंगण दे लई कहा सी, लेकिन इन्होंने माफी नहीं मंगी, जिस तों बाद अदालत ने सजा मुकरर कर दी।